हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज इस वीडियो में आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो सभी इस वीडियो को देख सकें। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने यूट्यूब के बायो में दे रखा है। तो पहली अपडेट ये है कि लगभग सभी कॉलेजों में बहुत से विद्यार्थियों के हर सेमेस्टर में कुछ न कुछ एग्जाम छूट जाते हैं। जैसे एग्जाम होता है मॉर्निंग में, पहुंचते हैं इवनिंग में, और फिर बताते हैं कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो इसका मुख्य कारण एक ही है कि डेट शीट का सही से नोट न कर पाना। जैसे एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट दिए होते हैं, उनके आगे पेपर बोर्ड, पेपर ID या सब्जेक्ट कोड दिया होता है, और डेट शीट में भी पेपर कोड, पेपर आईडी या सब्जेक्ट कोड जरूर दिया होता है। तो डेट शीट को इनके हिसाब से, पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड के हिसाब से मैच करके अच्छे से नोट करें, ताकि किसी का एग्जाम मिस न हो। और फिर बाद में बोलते हैं कि अब इसका क्या सॉल्यूशन, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उनको दोबारा से रीअपीयर के फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं और फिर से एग्जाम देना पड़ता है। तो आप ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अपनी डेट शीट अच्छे से पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड को मिला के ही नोट करें। जैसे ये BA फोर्थ सेमेस्टर के मेन की डेट शीट है, इसमें पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, फिर डेट दी हुई है किस डेट को एग्ज़ाम है, फिर ID नंबर यानी ये पेपर ID है, फिर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। और ऐसे ही अपने एडमिट कार्ड के सब्जेक्ट के आगे पेपर ID या पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड ज़रूर दिया होगा, और उनको और इस डेट शीट में इनको अच्छे से मैच करके ही अपनी डेट शीट नोट करनी है। और दूसरी अपडेट ये है कि 2018-2019 बैच वालों के फिफ्थ सेमेस्टर के रीअपियर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स यानी फिफ्थ सेमेस्टर 2018-2019 बैच वाले अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की ये थी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और इनको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।